हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। एक ओर जहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने 49 सीटों पर अपना झंडा गाड़ते हुए जीत हासिल कर ली है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई है। जी हां, बीजेपी ने हरियाणा में 48 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी ने 2024 में 47 और 2019 में 40 सीटों से जीतने के बाद अब तीसरी बार में सबसे बड़ी चुनावी पारी खेली है। चुनाव में शानदार जीत के बाद राज्य के तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी की जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इतना ही नहीं, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। हरियाणा में इस बार कई दिग्गज नेता चुनाव जीते तो कई हारे। तो चलिए आपको बताते हैं कि राज्य की वो हॉट सीटें कौन सी हैं जिन पर भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इन सीटों में पहली है कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट, जहां से सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने लाडवा से 2019 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए कांग्रेस के मेवा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कुल 16,054 वोटों से जीत हासिल कर ली है। वहीं भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा से कांग्रेस नेता और अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने 14,311 वोटों से हरा दिया है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही चित्रा सरवारा के खिलाफ अंबाला कैंट सीट पर 7,277 वोटों से बाजी मारी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भी राज्य की कई हॉट सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें सबसे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। हुड्डा अपनी कर्म भूमि गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस का परचम बुलंद करने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने बंपर 71,465 वोटों से भाजपा उम्मीदवार मंजू हुड्डा को हरा दिया है। आपको बता दें, पूरे हरियाणा में कांग्रेस नेता मामन खान ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से 98,441 वोटों से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस का जुलाना विधानसभा सीट पर रेसलर विनेश फोगाट को उतारने का दाव भी काम कर गया। विनेश जुलाना में 6,015 वोटों की बढ़त से विजेता रही। कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला भी कैथल विधानसभा सीट पर 8,124 वोटों से विनर रहे। इन्हीं सीटों में से एक है हिसार विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को कड़ी टक्कर देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने 18,941 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता और कांग्रेस के रामनिवास रारा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हरियाणा में भाजपा ने धमाकेदार जीत हासिल करके रिकॉर्ड बना लिया है और अब बीजेपी तीसरी बार राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सूबे में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई खासा सस्पेंस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता सीएम पद के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगा चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार में उमर अब्दुल्ला को सीएम की कमान सौंपी जा सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाए जाने की बात कही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि दोनों राज्यों के कैबिनेट में किन नेताओं को जगह मिलती है।